आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कथन देख लेते हैं, इंसुलिन कोशिकीय ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण और उपयोग तथा ग्लाइकोजन संश्लेषण को उद्दीप्त करता है। ये तो कथन बिल्कुल सही है। कैसे सही है देख लेते हैं कि हमारे शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो क्या करती है, ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। इनकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। इनमें क्या होती है? एक तो होती है अल्फा कोशिका होती है और एक होती है बीटा कोशिका, दूसरी होती है बीटा कोशिका। तो अल्फा कोशिका क्या करती है? अल्फा कोशिका ग्लूकागोन का स्रावण करती है। ग्लूकागोन का स्रावण करती है अल्फा, और बीटा कोशिका किसका करती है? इंसुलिन का स्रावण करती है। तो इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन संश्लेषण को उद्दीप्त करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कथन देख लेते हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसी को क्या कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कहते हैं कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, या इसको हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं तीसरा कथन क्या है, कि ग्लूकागोन ग्लाइकोजन अपघटन व ग्लाइकोजन संश्लेषण को रोकता है। तो ये कथन गलत है। जो ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन अपघटन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है न कि रोकता है। तो इस प्रकार ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो अंतिम कथन है वो क्या है, कि थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिरक्षी का उत्पादन बढ़ाता है। तो थाइमोसिन हार्मोन है वो थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। थाइमस ग्रंथि क्या करती है, थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है, थाइमस ग्रंथि। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है, जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनको जो शरीर के अंदर जीवाणु या कोई जो बाहर से कोई एंटीजन आएगा उसके प्रति लिम्फोसाइट को क्या करती है, प्रतिरक्षी बनाने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार ये तरल प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं। तो ये भी सही है। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया था कि गलत कथन हमें बताना है। गलत कथन क्या है, ग्लूकागोन ग्लाइकोजन अपघटन और ग्लाइकोजन संश्लेषण को रोकता है, ये कथन गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।